हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूडी टिप्स पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तीसी का लड्डू, जिसे अलसी या फ्लैक्स सीड भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप के लगभग कच्चा अलसी तीसी, और रोस्ट किया हुआ 1/2 कप मूंगफली, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स, कुटी हुई इलायची पाउडर, 1 कप के लगभग गुड़। ये कच्चा अलसी है, इसे हम कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट करेंगे। कढ़ाई गर्म है, अब इसमें हम लो फ्लेम पे अलसी को फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको लगातार चलाते रहिएगा ताकि जले ना। 5 से 6 मिनट इसको ऐसे ही रोस्ट करना है। अब ये रोस्ट हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ये देखिए। अब इसी पैन में हम 1 चम्मच के लगभग घी डालेंगे। गुड़ को डाल के इसको लो फ्लेम पे मेल्ट होने तक पकाएंगे, इस तरह से। इसको लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट इसी तरह पकाएंगे। जब ये इसमें बबल्स आने लगे हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही पका है कि नहीं। पानी में डालेंगे, अगर ये पानी में ये जम जाता है तो समझ लीजिए गुड़ हो गया है। अब हम इसमें अलसी डालेंगे, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। ये देखिए, इसमें हम अलसी को ऐड कर रहे हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड करेंगे, और मूंगफली भी, इलायची पाउडर भी, सब डाल के इकट्ठा इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। यहाँ पर हमने प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है ताकि गुड़ प्लेट पे जमे ना। निकाल लेते हैं इसे। फ्रेंड्स, इसे हल्का सा ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू बनेगा नहीं। हम हाथ पे घी लगाकर इस तरह के लड्डू बना सकते हैं। इस तरह से ये खाने में बहुत ही फायदेमंद होता है। अलसी के बारे में तो आप जानते ही, ये पेट के लिए तो फायदेमंद होता ही है। थायराइड जिनको है उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है। ये आप सुबह शाम चाहे जब इसको अच्छे से खा सकते हैं। ये बहुत ही आपको टेस्टी लगेगा और ये हेल्दी भी होता है।